स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर के मक्का मस्जिद पीर महाबरी खंडायत इलाके के घरों को खाली करने प्रशासन से 3 दिन का अल्टीमेटम। बीजापुर के प्राचीन दौर की मक्का मस्जिद पीर महाबरी खंडायत दरगाह से सटे इलाके में बसे इस जमीन की दावेदारी करने वाले परिवार पर आई प्रशासन से अचानक आफत। इनामदार परिवार अपने परंपरा का हवाला देते हुए प्रशासन से लगा रहा है गुहार। बसी बसाई जिंदगी से अगर छत छीने गए तो कहां जाएंगे परिवार। प्रशासन ऐतिहासिक स्मारकों को सुरक्षित करने का दे रहा है रीजन। कोर्ट में मामले के चलते आदेश पर इनामदार परिवार है निर्भर। क्या प्रशासन दे पाएगा मोहलत? घरों को बचाने का परिवार कर रहे हैं संघर्ष। आज बीजापुर में महानगर पालिका की ओर से अतिक्रमण हटाने का काम फिर से शुरू हो चुका है। यहाँ पर इनामदार कैंटीन के अपोजिट में जो मक्का मस्जिद और टेलीकॉम ऑफिस है, वहाँ पर जितने भी जो है ये शेड लगाए गए थे, यहाँ पर महानगर पालिका की ओर से ये इन शेडों को निकालने का काम शुरू है। लेकिन अब आगे कहाँ तक ये जाएंगे, इसके जानकारी भी हम लेंगे। महानगर पालिका के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे हम आपको बताएंगे कि आज का ये अतिक्रमण हटाने का काम कहाँ कहाँ तक होने वाला है, इसकी भी हम जानकारी आपको बताएँगे। हर किला अंदर दरगाह है, घर है, अभी से नहीं 400 साल से है। यहाँ से रहते हैं, यहाँ जो उनका पूरा बसेरा उनका पूरा खानदानी से है। और उन्होंने क्या दूसरे यहाँ दरगाह की सेवा करते हैं, दरगाह का उनका जगह है, उनके उतारे हैं, केस आए, केस चले हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में चले, एक हाई कोर्ट में चले, यहाँ भी चले। ये उनको टाइम देना, एकाएक आपको पूरे दुकाना पड़ा नहीं, दुकाना उधर देखो पूरा मुद्दा करा। उनको बोले तो टाइम देखो, तुम्हारे पेपर उनके पेपर बुलाओ, बुला के बैठो, एक 10 मिनट आधा घंटा टाइम देखो, पेपर देखो, उनके साथ बातचीत करो। उन्होंने भी एक 200-300 जने हैं, एक इस खानदान वाले हैं और सब घर वाले हैं, सब भी मिला के उनको एकाएक काड़ो पड़ा को छोड़ने लगे कर तो मुश्किल होता है। उन्होंने जाना कहा, उनको टाइम दो, पूरे रहने वाले यहाँ चलो, उन्होंने धंधा कर रहे हैं, उनके घर इस पर चल रही है पूरा, ये दुकान उनके छे उन्होंने कर रहे हैं, अभी जी नहीं जाली कोर्ट अच्छा जब से उन्होंने कर रहे हैं। सर ये जो है वो गोल नोटिंग या जी टी की नोटिफिकेशन भी उन्होंने बता रहे हैं, उतारे भी बता रहे हैं, है उन्होंने बता रहे हैं, ऑर्डर भी बता रहे हैं। वो महानगर पालिका वाले इसे कोई भी मानने को तैयार नहीं, महानगर पालिका से संबंधित नहीं आता, ये आर्कियोलॉजी का उनका चले। और ये उनके पास वकफ का गैजेट है, अभी वकफ को तो मैं नहीं मान रहे हैं, गैजेट है उनके, उतारे हैं पेपर आए, वो थोड़ा बैठो, बैठ को देखो, बात करो, तुम्हारे पेपर है तुम्हें करो, उनका रहे तो उनको दो, उनको टाइम तो दो, मुद्दा करे, सामान पड़ा है, किस घर पड़ा है, उन्होंने जाना कहाँ, रोड पार करना। कमिश्नर के कहने के मुताबिक जो है ये मॉन्यूमेंट को खुला कर दिया जा रहा है, लेकिन महानगर पालिका और कमिश्नर को ये महानगर पालिका एक संबंध नहीं है। उन्होंने 400 बरस से हैं, उनके दरगाह हैं, उनका ये है, उन्होंने संदल उरूस करते हैं, उन्होंने तो तुम्हें देख लो, पेपर देखो बातचीत करो, तो अभी इनको टाइम नहीं दे रहा, टाइम नहीं दे रहा, वो जब भी बोल रहे हैं सौकाश करो, डीसी साहब मिलेंगे, डीसी साहब मेरे को बात करते हैं, ये भी आप हमें जा रहे हैं, कमिश्नर साहब से बात करने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे कमिश्नर साहब डीसी साहब के ऊपर, भैया वो डीसी साहब पास जा रहे हैं। तो बीजापुर के एक ऐतिहासिक जो मस्जिद है जिसे मक्का मस्जिद कहते हैं, जो औरतों के लिए जहां पर नमाज होती है, तो उसके सराउंडिंग एरिया जो है
मक्का मस्जिद के पीछे जो जितने भी रेसिडेंशियल घर बनाए गए हैं और महानगर पालिका की ओर से उन्हें जो है एक नोटिस सर्व किया जा रहा है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं महानगर पालिका के कर्मचारी और कमिश्नर हर्षा शेट्टी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो इन्हें जो है एक नोटिस दिया जा रहा है। ये जो भी प्रॉपर्टी है ये हज़रत पीर महाबरी खंडायत के नाम से वो प्रॉपर्टी है, तो ये ऑलरेडी 76 में गजट हो चुका है। अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में एग्रोलॉजिकल वाले जो है ना केस किए थे, तो उसमें क्या है 3 प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व करके जजमेंट हुआ है और उसमें क्या है लायबिलिटी भी डिलीटेड कर लिखा है। लेकिन हमारा कंडीशन ये है कि लायबिलिटी भी डिलीटेड बोले तो सिर्फ 3 प्रॉपर्टी डिलीट होते हैं, एंटायर प्रॉपर्टी डिलीट नहीं होते हैं। मगर ये बात को कोई मानने को तैयार नहीं। अब वो क्या है गवर्नमेंट का है बोल के सब ये कर रहे सर्वे करके हमको क्या है 3 दिन में खाली करने का नोटिस दे। तो अब आप क्या अंदर और ये सोचना क्या करना है सोचना। अभी इस वक्त क्या बोलूँ मैं, जितने भी घर हैं उन सबको जो है सबको खाली करने के लिए नोटिस दिया है। सैयद महमूद मेरा ही नाम था, मैंने मुतवली अब बोला ऑलरेडी केस कोर्ट में। हाँ कोर्ट में ये ऑलरेडी क्या है हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है ये इस प्रॉपर्टी के बारे में। अभी जजमेंट नहीं हुआ क्या इसका? जजमेंट नहीं हुआ है तो ये भी हमें क्या है साहब को बताएं। अब वो बताने के बाद भी वो तुम्हारा सजानशीन करेंगे प्रॉपर्टी करेंगे सब कुछ अपना बहाना बता रहे, तो इसलिए हमें खामोश है क्या नहीं बोला। ये सभी सनद देख कर औकाफ वाले जो है ना इसे वक्फ करके डिक्लेयर किए थे और ये जो है ना ये 76 में गजट हो गया नोटिफिकेशन। ये गजट है जो 76 हुआ है। आपके हिसाब से ये वक्फ प्रॉपर्टी है? ये वक्फ प्रॉपर्टी है और जहाँ तक हाई सुप्रीम कोर्ट का मामला है जो जजमेंट हुआ है वो सिर्फ ये 3 प्रॉपर्टी पे लागू होता है जो उस केस में इन्वॉल्व है, बाकी कोई प्रॉपर्टी ना ही उन्होंने क्लेम करे वो प्रॉपर्टी के वास्ते ना ही उनका दावा है हर्कोलॉजिकल वालों का। लोगों को वो नोटिस दे रहे हैं? हाँ आप सब लोगों को नोटिस दे रहे हैं जो हाई कोर्ट में पिटीशन था? हाँ पिटीशन भी है उनको भी हमको भी नोटिस दे रहे हैं। तो ये जो बड़ा 1940 से हमारे बड़े दादा का नाम है आप उतारों में ये देखिए ये ना 1940 से है ना नाम है। अब ये चीज़ कोई चीज़ को मानने को तैयार नहीं। तुम्हारा गैजेट डिलीट हो गया करके उन्होंने बोल रहे हैं जबकि हमारे इसमें वो 3 प्रॉपर्टी डिलीट हुए हैं बाकी का कोई प्रॉपर्टी डिलीट नहीं हुआ। तो आज बीजापुर शहर के मक्का मस्जिद के पीछे जितने भी रेसिडेंशियल एरिया थे और यहाँ पर मस्जिद है और दरगाह भी है, तो यहाँ के निवासियों के कहने के मुताबिक दरगाह के सज्जादे कहने के मुताबिक ये वक्फ प्रॉपर्टी है और वक्फ प्रॉपर्टी में गैजेट भी हो चुका है, लेकिन प्रशासन कोई भी इनकी एक सुनने को तैयार नहीं है और उन्हें 3 दिन की मोहलत दी है और जो टेम्परेरी शेड है उसे 48 आवर्स दिए हैं। महानगर पालिका के कमिश्नर के कहने के मुताबिक इन आज नोटिस दी गई और 3 दिन बाद जो है इन तमाम जगहों को खाली करना है। अब देखना बाकी है कि यहाँ के जो सज्जादे हैं यहाँ के जो रहवासी हैं क्या वो फिर से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे या कोई स्टे ऑर्डर लाएंगे हैं या प्रशासन अपना काम करेगा, ये देखना बाकी है। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। बीजापुर में 11 दुकानें व्यापार के लिए उपलब्ध। बीजापुर के मुख्य बाजार से सटे आजाद रोड पर संगम कॉम्प्लेक्स में व्यापारियों के लिए 11 दुकानें उपलब्ध हैं, जो 20x60 से लेकर 30x65 तक विशाल जगह वाली दुकानें आपके लिए तैयार हैं।
ख्वाहिशमंद बिजनेसमैन इन दुकानों में अपना कारोबार शुरू करने इन नंबरों पर संपर्क करके दुकानों की अधिक जानकारी ले सकते हैं। ये गनी बेदरेकर बीजापुर 9591136786, जावेद पटेल पुना 9881117190। तो आज ही संपर्क करके अपने मनपसंद बिजनेस की शुरुआत करें। संगम कॉम्प्लेक्स आजाद रोड बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूजों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूजों को देख सकते हैं।